आज हम लोग करने जा रहे हैं मेज बिल्डिंग का चैलेंज, यानी कि हम लोग आज भूल भुलैया बनाएंगे और उसमें ट्रैप्स लगाएंगे और एक दूसरे का हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओह यस, तो यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार मेज के लिए। आयुष तुम फटा, तुम रेडी हो क्या मेज बनाने के लिए? अरे बिल्कुल, हम लोग एकदम रेडी है, लेकिन फटाफट तो तुम लोग यार सब्सक्राइब भी कर दो। तुम लोग को पता है ना हम लोग का मिशन है ट्रेंडिंग पे आने का। अभी तुम लोग को पता है यूट्यूब ने खुशखबरी दी कि 3% हो चुका है, याद है हम लोग 1% से शुरू किए थे। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, जिन्होंने भी नहीं कर रखा है, और जिन्होंने कर रखा है वो लाइक का बटन दबा दो। तो चलो दी, अभी हम लोग अपना मेज बिल्डिंग चैलेंज शुरू कर देते हैं। ओके। तो चलो गाइस, हम लोग अपना एडवेंचरस मेज यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वॉन्ड मंगा लूंगा। यस, यहाँ पर हम जादू टोना करने वाले हैं। अरे नहीं यार, बिल्ड करने के लिए ना हम लोग एक शॉर्टकट यूज करने वाले हैं। देखो ये वाला मॉड बहुत ही कमाल का है। अगर हम यहाँ पर पहले इसे सिलेक्ट कर ले और फिर इसके बाद में हम पीछे जाए, मतलब हमें जितना चौड़ा बनाना है ये ऑटोमेटिक हमारे लिए बना देगा। तो हम लोग कितना बड़ा रखे इतना शायद काफी रहेगा। तो हम लोग एक डायमंड ब्लॉक निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा बेस पूरा डायमंड का होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे हाइट दे देते हैं इतना। अब यहाँ पे किया हम लोगों ने राइट क्लिक, और अब जैसे हम लोग लिखेंगे /set डायमंड ब्लॉक, तो ये देखो वो यहाँ पर ये अपना सेट कर दिया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर में मेज बनाना है। तो मेज कैसे बनेगा, तो भरा हुआ है ना, तो यार सिंपल है, इसे हम लोग पहले तोड़ देंगे यहाँ तक। यहाँ पर इसे लगाएंगे फर्स्ट में, और फिर बाहर जाकर हम लोग यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे इधर, और फिर हम लोग ये सेट डायमंड ब्लॉक की जगह सेट एयर कर देंगे। तो ये देखो ये खाली हो गया, वैसे नीचे डर्ट आ गया, तो कोई बात नहीं, इसे भी हम लोग भर सकते हैं, एकदम इजी काम है यार। अभी तो अभी ये अपना प्रोगिरी वाला काम होने से ही तो मजा आता है ना। तो अभी देखो भर दिए, हो गया, एक ही सेकेंड में बन गया। अभी हम अंदर में हमें मेज बनाना है। मेज की स्टार्टिंग हम लोग चलो यहाँ से कर देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं ना काफी चीजें यूज करने वाला हूँ। मेरे पास एक सीक्रेट डोर भी है, इसे हम लोगों ने लगाया। तो ये देखो ये इस तरीके से खुलता है और ये डायमंड में मिक्स हो जाता है, कितना कमाल का है ना। ये देखो दीदी को बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला कि इसे यहाँ से जाना है। ये होगा एकदम सही पाथ, और यहाँ से हमारा मेज हो जाएगा स्टार्ट। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके एंट्री दिलाएंगे, तोड़ देते हैं, और यहाँ पर ये इस तरीके से अंदर में एंट्री होगी। तो दीदी यहाँ से आएगी तो उसे क्या से जाना है, एकदम मेज वाली फीलिंग आनी चाहिए ना बढ़िया से। तो हम लोग इसे यहाँ पर कवर करें। अब देखो जब भी दीदी यहाँ पर एंटर करेगी तो उसे लगेगा अरे गुली, यहाँ पर अभी हम और भरने वाले हैं। तो लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला दीदी को मिलेगा तो है नहीं, तो उसे हम लोग थोड़ा सा ट्रोल भी कर देते हैं। यार ट्रोल कर देना तो यार अपना खाना हजम करता है। तो हम लोग यहाँ पर एक दरवाजा बना देते हैं, एक कोई अच्छा सा डोर ले लेता हूँ मैं। कौन सा वाला ले, ये वाला या फिर ये वाला ले लेते हैं। ये थोड़ा गंदा सा भी है, देखते हैं दीदी समझ पाएगी क्या। एंट्रेंस का मैं इतना गंदा डोर तो नहीं देने वाला हूँ, तो ये थोड़ा अजीब सा है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे कर देते हैं सील पैक यहाँ पर अच्छे से, ये इधर में ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ये रास्ता गलत है। रास्ता तो वही वाला सही है जो हम लोग वहाँ पे बना रहे हैं, तो ये वाला रास्ता गलत है। तो इसके लिए पर हम लोगों ने इसे कर दिया है बंद। यस, और अभी यहाँ पर दीदी का कौन इंतजार करेगा, अगर वो इसके अंदर में जाएगी तो कोई अच्छा आदमी इंतजार करेगा ना। तो हम लोग उस अच्छे आदमी को यहाँ पे स्पॉन कर देते हैं। देखो वो प्याला सा आदमी दीदी को बहुत प्यार से मालेगा। ये देखते हैं दीदी क्या करती है, ऐसे ही खोलेंगे उसके पीछे पड़ जाएंगे ये लोग। अभी से हम लोग, अबे यार तू अंदर रहना यार, तीन तीन होंगे तो अच्छा लगेगा, इन दोनों को हमें काट के भगाना पड़ेगा। ये लोग ना हमारी बात सुनते नहीं है। तुमको जब बोला मैंने कि तुमको दीदी को परेशान करना है, कहाँ है तू, तो तुम लोग मानते काहे नहीं, काहे नहीं मानते हमारी बात। हाँ ये हो गया, अभी इसके अंदर में जैसे दीदी को दिख जाएगा क्या, देखते हैं। मेरे को लगता तो नहीं है, जब तक दीदी आएगी तब तक शायद ये पीछे हो जाएंगे, नहीं तो इनकी यहीं से धुलाई करूंगा मैं। अभी छोड़ो, अभी हम लोग यहाँ पे मेज बनाते हैं। ओके, मुझे भी पता नहीं चल रहा है यार, ये तो मुझे याद है कि इधर ही किधर है। ओ ये रहा, ये रहा, ये रहा। भाई मैं इधर खोल रहा था यार, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दीदी के लिए एक हिंट दे देते हैं, क्या बोलते हो? तो हिंट में हम लोग एक साइन बोर्ड निकाल देते हैं। तो यहाँ पर एक मस्त शायरी लिख देते हैं दीदी के लिए, इतना दीदी प्यारी है, नुबड़ियों की रानी है। ये सही है।
जब वो दिखेगी तो उसमें बहुत मजा आएगा, हम लोग बहुत मजे लेंगे। तो अगर वो ये पढ़ेगी तो उसके लिए काइंड ऑफ हिंट ये कि भाई यहीं पर ही है तेरा दरवाजा, अगर वो समझ जाएगी तो बढ़िया है, नहीं तो फिर यहाँ पर मजे तो वो लेने ही वाली है। इसके बाद में अब हम लोग अपना मेज का पहला स्टेप बनाना या स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आएगी, अब यहाँ पर हम लोग उसके लिए दो चॉइस रखेंगे। मेज का स्टार्टिंग यही होना चाहिए तभी मजा आता है। प्रोबेबली दीदी ने भी शायद यही रखा हो, देखेंगे उसने क्या बनाया है। अभी यहाँ से आके हम लोग यहाँ पर उसके लिए एक दरवाजा बना देते हैं, नहीं इतनी जल्दी नहीं, यहाँ से थोड़ा और अंदर आने दो। सो यहाँ पर ये टूटा हुआ था ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसके लिए एक दरवाजा होगा यहाँ से आगे जाने के लिए, और एक हम लोग आगे की तरफ और रखेंगे और थोड़ा आगे कर देते हैं, काफी जगह है ना हमारे पास, एक हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। यस, तो इस तरीके से दीदी यहाँ पर आएगी, कंफ्यूज आ जाएगी वो कि करना का है, हमें इधर जाना है या इधर जाना है। तो अभी यहाँ पर हमें एक ट्रैप लगाना होगा फिर से, एक तो वहां पर लगा ही दिया, और ये वाला इसके लिए सही रास्ता रख देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको ऐसे ऐसे करके आगे खिसका देते हैं, और जब तक मैं इसे बना रहा हूँ तब तक हम अपने नए चैनल मेंबर्स को शाउट आउट दे देते हैं जो चैनल को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो है अंश, एडिट, SM गेमिंग रियल और सुपर गेमिंग 27। थैंक यू सो मच गाइस। तो यार तुम लोग का सपोर्ट ही बहुत ज्यादा जरूरी है यार, इंडियन एनिमेशन गेमिंग को सपोर्ट करो। तुम लोग ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम लोग को शाउट आउट देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में तुम लोग का नाम होता है और तुम लोग के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आएंगी, तो फटाफट से ज्वाइन करो। तो चलो अभी हम लोग इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये वाला सही रास्ता है, इसे आगे से जाना है, और ये वाला गलत रास्ता है, तो इसके लिए गलत रास्ते के लिए भी हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये रास्ता सही है, तो क्या करेंगे हम इसे ऐसे करके यहाँ पर ऐसे खिसका देंगे, तो जब दीदी वहाँ से देखेगी तो उसे लगेगा यहाँ से तो रास्ता है, लेकिन यहाँ से रास्ता हम लोग कर देते हैं बंद ऐसे, और यहाँ पर हम लोग एक ट्रैप लगा देते हैं इधर इधर इधर, यहाँ पर बहुत ही गजब का ट्रैप लगाएंगे। हम लोग ले रहे हैं सिल्वर फिश और नीचे में यहाँ पर छोड़ देते हैं, बहुत मजा आएगा, दीदी को बहुत डैमेज पड़ेगा सिल्वर फिश से, हम लोग काफी सारा छोड़ देते हैं, बहुत ही सही। अब हम लोग क्या करने वाले, हमारे पास एक घोस्ट ब्लॉक भी है, तो हम उस घोस्ट ब्लॉक को निकाल लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं। देखो ये लग तो डायमंड ब्लॉक जैसा ही रहा है, लेकिन इस पे पैर रखते वो नीचे गिरेगी और यहाँ पर उसे डैमेज होगा, उसे लगेगा सही ब्लॉक है, क्यों है ना कमाल का ये मॉड, इसलिए तो इसे घोस्ट ब्लॉक कहते हैं। जो भी ब्लॉक आसपास लगा होता है उसका रूप ले लेता है। दीदी यहाँ पर गिरेगी, वो सोचेगी आगे रास्ता है क्या, लेकिन नहीं है आगे रास्ता, उसका रास्ता इधर से है, इधर में जाके उसे यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है और यहाँ आना है। तो वहाँ पर पीछे को हम बंद कर देते हैं, नहीं तो वो सोचेगी कि इधर में भी कोई रास्ता है क्या, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अभी ये ऐसा लग रहा है, पहले वहां पर वो सोचेगी कि गेट लगा हुआ है तो वो सही है, तो फिर उसे पता नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग दरवाजा बंद रहेगा, यहाँ से वो आएगी सही दरवाजा, फिर यहाँ पर आएगी, यहाँ पर उसके लिए हम लोगों ने प्रैंक सेटअप कर दिया है, फिर यहाँ पर गलत रास्ता हो गया, फिर यहाँ से वो आगे जाएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर वो सही रास्ता मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर उसके लिए आगे के रास्ते के लिए कुछ बनाना होगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, दीदी को और थोड़ा सा ट्रोल करने के लिए एक सेगमेंट बनाते हैं जहाँ पर उसे फाइट करना होगा। किससे कराए फाइट उसका, स्केलेटन से करवाएगा, तो चलो सही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा खींच देते हैं और इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं यहाँ पर, यहीं पर ऐसे करके भी ठीक रहेगा। अब उसे इस रास्ते से बाहर निकलना है इधर से, तो इसके लिए उसे पहले मॉब से फाइट करना होगा जो कि यहाँ पर है। यस गाइस, दीदी यहाँ पर आएगी, देखेगी अरे यहाँ तो फाइट करना और मुझे वहाँ जाना है, तो यहाँ पर उसे फाइट करने के लिए हम लोग कुछ गिफ्ट हैम्पर भी दे देते हैं, और यहाँ पर होगा चेस्ट और इसके अंदर में दीदी को कोई आर्मर मिलना चाहिए। इस बार कौन सा वाला आर्मर दे, ये कुछ नया है, नेदर कॉम्बैट हेलमेट। ओके तो चलो यही दे देते हैं, पता नहीं क्या है, मैंने भी आज तक ट्राई नहीं मारा, चलो एक बार ट्राई मार के देख ही लेते हैं। ओहो आहा हा, और सही है, चलो फिर यही देंगे अब दीदी को। इसके अंदर में ये डाला हम लोगों ने आर्मर और उसे हम एक वेक्टर वाली गन भी दे देते हैं। यस, ये गन बहुत ही कमाल की है, ये देखो वो यहाँ पर, ओ तेरी की, इसके अंदर ज्यादा गोली नहीं होती लेकिन यार तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा अलग गन दे देते हैं, हम लोग उसे M4 असॉल्ट राइफल दे देते हैं। एक काम करते हैं, दोनों ही दे देते हैं, दोनों में थोड़ी थोड़ी गोली है, दोनों से मार लेगी ये सही रहेगा, देखते हो कैसे फाइट करती है। यहाँ पर उसे लड़ना है स्केलेटन से, लेकिन ये तो जलने लग जाएगा यार, एक से एक प्रॉब्लम है जिंदगी में। यहाँ पर हमें एक लेयर बनानी होगी, तो वो ही हम मेथड यूज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और हम कर देते हैं सेट
डायमंड ब्लॉक, ये देखो ये हो गया कवर। अभी स्केलेटन्स मरेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम काफी सारा स्पॉट कर देते हैं, इतना काफी है। देखते हैं दीदी मार पाती है क्या, मजा आएगा। और फिर उसे यहाँ से जाना है। अब यहाँ पर हमें मेज का अगला रास्ता बनाना होगा। लेट्स गो। वो तो अंदर है, बाहर नहीं आने का। अभी हम यहाँ पर उसको काफी ज्यादा ट्रोल कर चुके ऑलरेडी, और वो परेशान भी हो चुकी होगी, लेकिन उसे थोड़ा सा और एक बार परेशान कर ही देते हैं लोग। यहाँ पर इस तरीके से हम बना देते हैं पहले। यहाँ पर दीदी आएगी, अब इसे यहाँ पर दो चॉइसेस मिलेंगे, तो या तो वो इधर जाएगी या इधर जाएगी। यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर एक दीवार बना देंगे, तो इनमें से कोई एक रास्ता सही होगा एक रास्ता गलत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले रास्ते को गलत बना देते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के। तो यहाँ से पहले दीदी ऐसे आएगी, यहाँ पर आकर उसे यहाँ ठेंगा मिलेगा, ठेंगा बहुत मजा आएगा। मैं दिखाता हूँ अभी ये पूरा करके, बहुत ही सॉलिड लगेगा ये। गाइस इस चीज के लिए फटाफट से एक लाइक तो बनता है, जल्दी जल्दी लाइक दबा दो, नहीं दबाया तो क्या कंजूसी फ्री है यार। और यहाँ पर हम लोग इसे बना देते हैं पूरा। Yes, तो दीदी स्केलेटन से लड़की यहाँ आएगी, यहाँ पर एक रास्ता। दीदी सोचेगी चलो यहाँ से चले, यहाँ से लंबा लग रहा है, यहाँ पर इसे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर उसको एक मैसेज मिलेगा। तो हम लोग उसके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज लिख देते हैं, चल भाग। Oh my God. और फिर दीदी को वापस इधर आना है, और यहाँ पर आगे उसे कंटिन्यू करना है। तो भाई इतना तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, अब आगे और क्या करें। तो यहाँ पर दीदी का होगा सही रास्ता, और यहाँ पर भी हम एक चीज बनाते हैं जो बहुत कूल लगेगा देखने में। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा वो। पहले हम यहाँ पर ये वॉल खड़ी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा बनाना पड़ेगा तो थोड़ा मजा आएगा देखने में। यहाँ से भी हम इसे चौड़ा कर देते हैं। Yes, तो इधर में ये थोड़ा ज्यादा ही चौड़ा हो गया यार। ओके, यहाँ पर हम इसे ऐसे करके पूरा पैक कर देते हैं पहले तो, और इधर से भी पैक कर देते हैं। Yes, अब दीदी इधर में आएगी, इधर में हम लोग एक गजब का ट्रैप देने वाले हैं। वो इस तरीके का होगा कि उसे पहले यहाँ से गेट खोलना है, यहाँ पर हम एक गेट लगाएंगे, और वो कौन सा गेट होगा वो हम लोग पहले देखते हैं। ये कैसा गेट रहेगा, देखिए बंकर वाला। ओके, ये काफी सही गेट है, इसे हम लोग तो ऐसे खोल पा रहे हैं, लेकिन दीदी ऐसे नहीं खोल पाएगी, उसे चाहिए होगा एक लीवर। यस गाइस, तो एक लीवर की दीदी को जरूरत पड़ने वाली है। हम लोग लगा रहे हैं इसलिए हम लोग खोल सकते हैं, दीदी नहीं खोल पाएगी, उसे एक बटन की जरूरत सच में पड़ने वाली है। तो वो एक साइड का ही खुलेगा इससे भी। चलो ठीक है, यहाँ पर हम इसे ढक देते हैं। अब क्या होगा कि दीदी को ढूंढना होगा लीवर, यहाँ पर हम लगा देंगे बहुत ही सारा चेस्ट, लेकिन ट्रैप चेस्ट। यस गाइस, यहाँ पर हम एक ट्रैप चेस्ट रख देते हैं, यहाँ पर हम एक दीवार बना देंगे। तो चलो थोड़ा सा सुंदर करने के लिए हम ओक लीव से बनाएंगे। यार मैंने नीचे गिरा दिया, यहाँ पर इस तरीके से इसे हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर भी हम सेपरेट कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लगा देंगे। सेम चीज हम इधर भी करेंगे, यहाँ पर हम लोग चेस्ट रख देते हैं। या इस तरीके से तीनों तरफ लग गया, यहाँ पर भी एक लगाया, फिर हम सेम साइज का ऐसे कर देते हैं। अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा सुंदर भी लगेगा ये देखने में। ये देखो ना, मस्त लग रहा है, हरियाली हो गई अचानक। यहाँ पर किया सेपरेट, यहाँ पर लगाया ट्रैप चेस्ट, यहाँ पर लगाया हम लोगों ने ट्रैप चेस्ट, यहाँ पर हम लोगों ने लगाया हरियाली। यस, अभी दीदी को इन छह चेस्ट में से कोई एक चेस्ट के अंदर में लीवर मिलेगा, और बाकियों के अंदर में उसे हमारा प्यारा प्यारा हस्क मिलेगा। लेकिन इस वाले में हम उसके लिए कुछ रख देते हैं ताकि वो मार सके। तो क्या रखे हम लोग एक लाइट मशीन गन रख देते हैं इस बार, ये चीज देखते हैं कैसी निकलेगी। ओह ओह ओह, काफी सही है यार ये तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, और इसके नीचे में हम लोग हमेशा की तरह एक डिस्पेंसर लगा देते हैं। वो कोई मामूली डिस्पेंसर नहीं होगा, वो होगा सीक्रेट डिस्पेंसर। तो यहीं पे हम लोग इसे नीचे में लगाएंगे। अरे यार ये डर्ट का रूप ले रहा है क्या? ओके, तो नीचे में पहले मुझे डायमंड लगा देना है, तब ये ऐसे हो जाएगा, और इसके अंदर में हस्क स्पॉन होगा। यस, जैसे ही दीदी ट्रैप चेस्ट को खोलेगी उसमें से हस्क निकलेगा, बहुत ही सही। अभी हमें इसे ऐसे लगाना है, और नीचे में हमें डाल देना है एक हस्क, और इसके अंदर में गन तो रखना ही है। अरे यार ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है इसकी। तो तू निकलते यहाँ से, निकल निकल, हट घुचू, तू भी निकल घुचू, हट, चलो चलो यहाँ से। हाँ बहुत बढ़िया, अभी हम लोग इसे ढक देते हैं। अब दीदी को लगेगा ही नहीं कि नीचे डिस्पेंसर, और बिल्कुल भी शक नहीं करने वाली है, हालांकि हम लोगों ने रख दिया ना। हाँ अभी मैं इसे खोलते वापस से निकलेगा, तो मैं नहीं करने वाला। तो हर जगह यही चीज हम कर देते हैं। तो ये सेकंड चेस्ट के अंदर में हम लोग क्या रखें, हम लोग यहाँ पर एक रॉटन फ्लैश रख देते हैं।
ये बहुत सही रहेगा, वो सोचेगी कुछ तो मिलेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ पहले चेस्ट में उसे मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग हस स्पॉन कर देते हैं, तो थर्ड वाले चेस्ट में भी हम लोग सेम करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक रॉटन फ्लैश डाल देते हैं और नीचे में हस का एक डाल देते हैं, और बाकी सब में भी ऐसे ही होगा। उसे सिर्फ एक गन मिलेगा और एक के अंदर में लीवर होगा ना, तो लीवर उसे इस वाले में मिलेगा। देखते हैं अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो सबसे पहले वो यही चूज करेगी, नहीं तो वो जाने भाई। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं स्पिन सोर्ड, उसके ऊपर में चेस्ट, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं लीवर, और नीचे में हम लोग डाल देते हैं हस्क। बहुत सही। तो यस गाइस, हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब दीदी को लीवर मिलेगा, वो लगाएगी और यहाँ से आगे जाएगी। अरे यार तू निकल। बहुत ही सही यार, मजा आ गया। अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आकर दीदी को चॉइस करना होगा कि उसे आगे कहाँ से जाना है। चलो अब उसका लास्ट एक फाइनल मॉब फाइट करा देते हैं और फिर वो फ्री है बाहर के लिए। लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने विदर लगाया था और दीदी ने 5 सेकंड में उसे उड़ा दिया था। यार कितना कूल था देखने में। मैंने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस वीडियो के बाद पूरी देखना। लेकिन अभी हम लोग इसे यहाँ पर आज क्या दे बॉस फाइट के लिए, भाई कुछ तो सजेस्ट करो मेरे को। चलो आज में हम लोग उसे विंडिकेटर से लड़वाते हैं। बहुत सही रहेगा, या ये विंडिकेटर लोग बहुत सही रहते हैं। तो यहाँ पर वो आएगी, वो सोचेगी कि यार इतना तो लड़े हैं, लेकिन इससे उसे फाइट करना होगा। वो इस गन से भी हो जाएगा, लेकिन इसकी गोली खत्म हो सकती है। तो हम लोग उसे नया सामान दे देंगे, लेकिन अभी तो हम लोग पहले यहाँ पर रास्ता बंद कर देते हैं, नहीं तो वो उस तरफ चली जाएगी। उसका रास्ता इधर से निकलेगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ काफी जगह है, यहाँ पर ये मेज हो जाएगा बंद, और यहाँ पर उसे फाइट करके इस चेस्ट को हासिल कर लेना है। ये है तो ट्रैप चेस्ट, लेकिन चलो हम लोग इसे डराने के लिए यहाँ ट्रैप चेस्ट रख दिए, लेकिन इसके अंदर में होगा उसका फाइनल गिफ्ट। यस, हमेशा की तरह ही उसके नाम का डायमंड। तो ई फॉर एक था, यहाँ पर इस तरीके से हो गया EM, एकता मोर। यस, और यहाँ पर हम स्पॉन कर देंगे बहुत ही सारे विंडिकेटर, मजा आएगा। काफी ज्यादा हो गया यार, देखते हैं क्या कर पाती है। लेकिन 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 वो आते ही उसे हम लोग यहाँ पे गिफ्ट भी दे देंगे। तो रुको, यहाँ पर इसे हम लोग ऐसे बंद कर देते हैं ताकि एक बार में विंडिकेटर उस पर हमला ना करे। और यहाँ पर हम लोग उसके लिए एक और चेस्ट रख देते हैं, और इसके अंदर में भी हम कुछ अच्छा सा उसके लिए गन रख देते हैं। तो इस बार हम उसके लिए ब्लास्टर शॉट गन भी रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। विंडिकेटर तो यहाँ तक आ रहा है। तो भाई हमारा तो ये ट्रैप हो गया है रेडी, और देखो दीदी का भी पीछे हो गया रेडी। तो चलो ये एडवेंचर शुरू करते हैं। ओके नहीं तो तुमने मुझे सर्वाइवल में डाल दिया, यानी कि अभी मेरी बारी है तुम्हारा मेज सॉल्व करने की। हाँ यस, तो अभी तुम्हें ये मेरा मेज को सॉल्व करना है। मैंने बहुत इजी रखा है तुम्हारे लिए, यहाँ से एंटर करना है तुम्हें, ठीक है? तो यहाँ पे कोई ट्रैप व्रैप कुछ नहीं है, तुम बस यहाँ से एंटर कर लो। ओके चलो, तुम कह रहे हो तो हम तुम पर विश्वास कर लेते हैं। यार ये तो पूरा मेज वाली फीलिंग दे रही है यार ये मुझे यहाँ पर। तो हाँ मेज वाली फीलिंग है, मेज तो है, सही है। क्या बात है, यहाँ पर तुमने 3 जगह रखा है मेरे लिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये थर्ड हो गया। ओके तो अभी तुम्हें फटाफट से किसी के अंदर एंटर करना, तो बताओ तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा चूज करने वाले हो? मेरे को पहले वाले में तो कभी भी जाना नहीं चाहिए, इतना तो मुझे अच्छे से पता है। तो दूसरा वाला, और ये है तीसरा वाला। यहाँ पर मुझे चेस्ट मिल गया। Nice. भाई चेस्ट हो और वहाँ पर हम न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कैसे? तो चलो अभी हम चेस्ट में से अच्छा तो तुम्हें मिल गया है एरो और बो। यस यस, तो थोड़ा आजू बाजू तो अभी तुम्हारा क्या खोपड़ी तोड़ दें? ये लो, हमारा खोपड़ी तुम तोड़ भी नहीं सकते हो, हम तो क्रिएटिव में हैं। ठीक है भाई, बदला तुम लेंगे, चिंता ना करो। अभी हमको अच्छा इन दोनों में से कोई एक स्विच यूज करना है। हाँ यहाँ पे 2 बटन है, एक स्टोन का और एक वुड का। तो अभी तुम्हें फटाफट से चूज करना है, कौन सा चूज करके बताओ जल्दी दीदी। मैं तुम्हारा खोपड़ी चूज करूंगा। मैं सर्वाइवल में हूँ, समझा ना, नाजायज फायदा मत उठाओ। तो बड़ी बहन है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, समझा ना। बड़ी बहन हो, ध्यान रख। चलो 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 फटाफट से चूज करो। हर चीज का नाजायज फायदा उठाया जाता है। तो मैं स्टोन वाला चूज करता हूँ। ये क्या है, तुम्हारी तरफ फुसकी निकला? ये तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ओके तो आईश कुछ नहीं हुआ स्टोन वाला से। हाँ तो फुसकी है तो ये। एक काम करो, वुड वाला ट्राई करो, शायद इसमें से कुछ अच्छा निकले। हाँ यार मेरे को भी यही लग रहा है। मजा आ गया। ये लो। अच्छा ठीक है, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? हाँ, लेकिन इसको इसको दबाने से मैं ही क्यों मर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मर रही हो?
ये कमरा लॉक लगाया हुआ है। अच्छा यहाँ पे ये क्या है? ओए 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 डर्ट के अंदर में से ये क्या निकला है? ज़ॉम्बी। और ये अंदर में यहाँ पर स्नान क्यों कर रहा है? हाय मेरे ज़ॉम्बीज, कैसन बा? कुछ ओ बा ओ माँ, इन्हें हॉस्टल कुछ कर क्यों नहीं रहा यार? तुम्हें उन्हें मारा तो चलो बाहर निकलो फटाफट। हाँ मारो 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 इनको मारो। और यहाँ पर तो रास्ता ब्लॉक है, इसका मतलब ये रास्ता भी गलत है। मैं फालतू में फंस गया हूँ यहाँ पे। अरे ये तो अंदर ही रह गए भाई, तुम्हें बाहर निकलना था, तुम्हें पता है ना? चलो ये क्या किया तुम? ओए अबे क्या बोल रहे हो यहाँ पे डिस्पेंसर? एक मिनट, ए ये सब क्या है? मजा आ गया। ये क्या है ये सब? और वहाँ पे वो डिस्पेंसर दिखा मेरे को, ये इसको पहले हटाओ यहाँ से। ओ माय गॉड, ये डिस्पेंसर है हाँ? ये घोस्ट ब्लॉक है इसका मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। घोस्ट ब्लॉक नहीं है, ये सीक्रेट डिस्पेंसर था। हाँ वो जो भी है, लेकिन यहाँ पर रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला रास्ता ही सही था यार। तुम्हें तो बोला था पहला वाला में नहीं जाना, पहला वाला नहीं जाना था। जाओ। ये ज्यादा खोपड़ी नहीं लगा रही आजकल तो, मैं देख रहा हूँ। सुनो ये बोगो यहाँ रख दो, ये बोले जाना अलाउड नहीं है, यहाँ रख दो। नहीं मैं तो ले जाऊंगा भाई, अलाउड नहीं है। इतनी मेहनत से मिला है मेरे को, ऐसे थोड़ा छोड़ देगा मैं। ले जाएगा मैं तो नहीं, ले 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 ले। अभी रो देगी थोड़ी देर में, फिर मम्मी करेगी। नहीं ठीक है, मैं बहुत दानवीर हूँ। ओए अच्छा। यहाँ पर कोई बो एंड एरो से कोई ट्रिक लगाया है क्या, जो कि तुमने मेरे से मांगा ऐसे भिखारी की तरह? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे तुम्हारे लिए पार्कोर है, तो ये पार्कोर को तुम्हें पार करना है, ठीक है? हाँ हाँ पार्कोर को पार, हर बार यही होता है हमारे साथ। तो बच के, ये बच के, यहाँ पे लावा भी है तो बच के तुम्हें जाना है। हाँ लेट्स गो। तुम अच्छे से धक्का मारा है मेरे को, और तुमने सारे के सारे बोझ तो पीछे छोड़ दिए, मेरे से मांग रही थी। मैंने अभी रास्ते में 46 बोझ उठाए हैं। ये देखो ये एरो है, वो नहीं है। अब वो एक ही बात है यार, बोझ है एरो, दोनों भाई भाई है यार। चलो क्रॉस कराया बड़ा। अबे यार ये तुमने ब्लॉक, रुको ये ब्लॉक में कुछ गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो रहा है आज? रुको मुझे लग रहा है कि मुझे सेंस हो रहा है कि इन ब्लॉक्स में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे रुको देखने दो। अभी मेरा कॉन्सेंट्रेशन मत बिगाड़ो तुम एकदम बे। मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ है ब्लॉक्स में, ऐसा तो होता नहीं है कभी भी। देखो मैंने बोला था ब्लॉक्स में गड़बड़ है, मेरे ब्लॉक्स में गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं पता। कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को ऐसे समझ भी नहीं आएगा। रुको यहाँ पर आया, ये तो ठीक है, यहाँ पर आया ये भी ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं अच्छे से कूदा हूँ, मैं अच्छे से कूदा। घोस्ट ब्लॉक है इसको, मतलब घोस्ट ब्लॉक। रुको ये घोस्ट ब्लॉक, मैं समझ गया। ये इस टाइप का ब्लॉक है जिसके अंदर में तुम जाओगे तो वो आर पार हो जाता है अपने आप, मतलब वो खाली इसका मतलब वो सिर्फ दिखावे का है, वो है हाँ, नहीं है। मेरे को पता ही था यहाँ पे गड़बड़ तो है ही। देखो मेरे को ये लो, तुम्हारे लिए ब्रेड, ये लो। हाँ धन्यवाद। ब्रेड से क्या होगा अगर मैं लावा में गिरी जाऊंगा तो? यहाँ से हम यहाँ पर आ गए। ये है घोस्ट ब्लॉक है, इस पे तुम्हें नहीं चढ़ना है, अब इस पे डायरेक्ट। अच्छा तो तुमने वो शायद इसलिए मेरे से ले लिया ना, अगर मैं इसके ऊपर चलाता तो ये आर पार हो जाता और मुझे पता चल जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मेरे को उस पर जाना है डायरेक्ट। तुमने जो गड़बड़ किया ना हमको समझ में आ रहा है। सुनो ओ, आगे मत भागो भाई। क्यों काहे नहीं? तुम लावा से बहुत ज्यादा जल गए हो तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे नहाने का एरिया रखा है, तुम यहाँ पे आराम से नहा सकते हो। मेरी बहन तुम बहुत ज्यादा बदबू मार रहे हो, एकदम दूरी रहो मेरी बहन, तो इसलिए तुम नहा लो। जाओ यहाँ पर क्या लिखा है, नहा लो अपनी आग बुझा लो। ये क्या होता है? एक मिनट, नहा लो अपनी आग बुझा लो क्या होता है? तुम्हें आग लगा रहे यहाँ पे काफी, तो जाओ। मतलब तुम्हें पता था मैं चलूंगा ये, ऑब्वियसली हां वो तो पता ही है मुझे। अबे धक्का कहां से लगाया मैंने? अबे ओए ये फेक वाटर है, ये फेक वाटर है ना, मेरे को पता है। तो
पता है मेरे को सारा बदले का कसर आज निकाल रही हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ना, सारे बदले से निकाल रही हूँ। बार 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 यहाँ से काए मेरे को, वहाँ पे टीपी करो सीधा, वहाँ टीपी करो, कर गया हो पार, पार कर गया, बराबर पार कर गया हो। ये लो मेरे लिए तो ये सब 2 सेकंड का काम है, नहा लो अपनी आग बुझा लो। अच्छा 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 में मर जाओ। हाँ हाँ ठीक है, हम भी तुम्हारे लिए काफी अच्छी अच्छी शायरी लिखेंगे, चिंता न। अबे वो पीछे तुमने का किया? अच्छा अच्छा ये वाला ट्रैप तुमने खुद ही कर दिया। मेरे को एकदम समझ में आ रहा है ये जो रखा है तुमने, लेकिन इसके नीचे भी तुम्हें है ना यहाँ पर ये सब तुम्हें देखना चाहिए था पहले, समझा? अभी चलो यहाँ से। ओ मुझे डायमंड मिल गया है। ओके अरे तुम ये सब कुछ पार कर, अरे क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी अभी पार कर ले ना, तुम्हारी बॉडी आधी कटती है अभी, समझा? ओ माय गॉड, अब सच में कटेगी क्या? ओए मेरी कट गई क्या बॉडी? कटेगी नहीं, कटेगी नहीं, जाओ 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 यहां पे देख, कटती है क्या? हां मजा ही आएगा मुझे कटते हुए देखेगा। हां ओए अब रुको रुको, और यहां पर मेरे को डायमंड मिल गया। यस तुमने पिकैक्स दे दिया। ये क्या हुआ भाई, मैं आसमान में पहुंच गया हूँ, तुम्हें पता है मैं ऊपर पहुंच गया था, मेरा डायमंड भी ब्लो कर गया तुमने, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? तुम्हारा डायमंड चला गया, लो लो मैं तुम्हें दे देती हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो तुम्हारा डायमंड। धन्यवाद। तो चलो फाइनली फाइनली हम लोग ने यहाँ पर बेस सॉल्व कर दिया। दीदी ने बहुत अच्छा लगा था, ट्रोल किया मुझे, कैसा लगा तुम्हें ये ट्रोल, बताओ मुझे बता। बहुत बढ़िया लगा। अभी तो मेरी बारी है ना, तो आओ चलो मेरा मेज सॉल्व करो। चलो ओके चलो चलो चलो। तो दी तुम्हें डाल दिया गया सर्वाइवल में, अभी तुम्हारी बारी है मेरा डायमंड का मेज सॉल्व करने की। यार तुमने तो बहुत गजब का यार डायमंड, तो यार मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे तुमने मेरी तरह एकदम सिंपल से गेट रखा है, पर यहाँ पे मुझे ये हाथ दिख रहा है। अरे ये क्या है? कुछ नहीं वो, रुको कुछ नहीं है, मुझे अरे वो हाथ में मेहंदी नहीं लगी है ना इन लोग के, वो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं इसलिए हाथ बाहर लेके बैठे की कोई मेहंदी। मुझे पता है कि ये रास्ता है कि मैं इसमें जाऊंगी। तुम्हें मेहंदी मारने का बहुत शौक है ना, लगा तो जाओ जाओ जाओ, गेट खोलो गेट खोलो, आओ कुछ नहीं, ये नहीं है गेट। अरे है, ये देखो ना बेचारे तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे हैं। नहीं यहाँ पे मुझे जा रहा है। एकता दीदी, अच्छा एकता दीदी प्यारी है, नूबड़ियों की रानी है क्या? क्या क्या नूबड़ियों की रानी का क्या मतलब है? इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो इधर देखो, तुम्हें एकदम लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। आओ नहीं मुझे पता है तुम क्या करने वाला। नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला, देखो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं कुछ ही नहीं करने वाला हूँ। मेरे पीछे मत छोड़ो, पहले ही बोल रही इनको जाने दो, भाई दूर जाओ मेरे से, दूर जाओ। देखो तुम्हारे फैंस है ये, देखो कितने कितने प्यारे फैंस है, तुमसे ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं। ऐसे हस्क फैन मेरे मेरे कैसे पड़े हैं? चलो 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 चलो, क्या है कि हम थोड़ा सा चलो क्या है रक्षा कर ही देते हैं तुम्हारी। वही तो रक्षा बंधन है। अब रुको ओए, अब ओए ज़ॉम्बी लोग, अबे जाओ दीदी को मारो, रुको रुको मैं तुम्हें मारूं। क्या मारो? ये लोग ऐसे तो मरने वाले हैं नहीं, ये लोग अभी हाफ हार्टी है क्या तुम्हारा? लो अरे यार मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अरे नहीं गया गया गया, आ जा आ जा आ जा। खाने के लिए कुछ मिलेगा सर? हाँ जरूर। तुम्हें मैंने फुल हेल्थ करके दिया यार, एक तो मैंने तुम्हें कितना अच्छे से एक बार में फुल हेल्थ कर दिया तुम्हें मार के। कितने अच्छे हो तुम भाई, मेरे प्यारे भाई कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। धन्यवाद धन्यवाद। अभी यहाँ पे तुमने ये क्या लिखा है मेरे को बताओ? एकता दीदी प्यारी है, नूबड़ियों की रानी है, क्या है ये? तुम नूबड़ी हो ना?
दू ही लिखा ठीक है। अब इसके अंदर मैं पार करके दिखाऊंगी देखो सब कुछ। मैं कहां से नूबड़े को बताना तो दी, अभी ढूंढो तो सही नूबड़ियों की रानी। आओ यार पता नहीं कहां पे है, कैसे जाना। उसके नीचे में कोई ब्लॉक लगा दिया क्या, घोस्ट ब्लॉक तो नहीं है जो मैंने लगाया था? अच्छा घोस्ट ब्लॉक, घोस्ट ब्लॉक दिख रहा है तो मैं दिखा दो कहां है घोस्ट ब्लॉक। यहां पे एकदम सीक्रेट वाला है, सीक्रेट। कैसे जाना है, कहां जाना है, मैं फटाफट से चल के देखती हूं यार। हां चलो मैं एक हिंट दे दूं। हां दो ना हिंट। फिलहाल तो देखो उसी साइड में है जहाँ नूबड़ियों की रानी है, अब बस इससे ज्यादा हिंट नहीं है। मतलब जहाँ पे वो लिखा हुआ वहीं पे मुझे चेक करना है ना? नहीं मुझे बस इतना पता है कि जहाँ नूबड़ियों की रानी है वहीं पर है, तो कहीं भी हो सकती है। ओके ठीक है, तुमने बोला जहाँ पे नूबड़ियों की रानी है वहाँ पे कुछ है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, वो तुम जानो मुझे कुछ आइडिया नहीं है यू नो। हाँ तो फिर मुझे लगता है यहाँ कुछ ब्लॉक के अंदर में है क्या, कुछ तो है क्या भाई कुछ। यार आये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ब्लॉक पे कुछ है क्या, ब्लॉक पे कुछ है। अबे ऐसा हर ब्लॉक को मारना नहीं चाहिए समझा ना, बेचारे प्यारे प्यारे बहुत प्यारे डायमंड से कीमती वाले। तो क्या हो गया, मुझे ही लेना है डायमंड। अच्छा? डायमंड ले लो डायमंड। इसमें कुछ है क्या, इसमें कुछ नहीं है? नहीं इसमें कुछ नहीं है। ऐसे हाथ मत हिलाओ सब पे समझा ना, आ जाओ दूर। जरा बताओ तो तुम ऐसे मना करे, अब तो पक्का मुझे करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। यार तुमको पता चल गया, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमने तो मना किया था, मुझे तो मुझे पता था चले यार। ये सबसे कूलेस्ट थिंग लगी मुझे ये गेट देखो। अरे सच यार मस्त है एकदम से यार, कैमोफ्लेज हो जाता ना। चलो अभी अभी देखें तुम क्या करती हो, आओ। वो तो तुमने यहाँ पे एक पात बनाया ना मेरे लिए, और दूसरा पात कहाँ पे बनाया, वो यहाँ पे, और तीसरा, तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, दो काफी है। तो मुझे हाँ मुझे ये बताओ मुझे फर्स्ट में जाना चाहिए या सेकंड में? तो तुम्हें डिसाइड करो, मुझे क्या पता किस में जाना चाहिए। ठीक है मैं तो फर्स्ट में जाती हूँ क्योंकि तुम याद है ना तुम थर्ड में गए थे, तो मैं तो फर्स्ट में जाती हूँ। मैं बचा रहा हूँ देखो मैंने बचा लिया तुम्हें, देखा कितना अच्छा हूँ मैं, कहाँ हूँ? बहुत अच्छा है यार तुम, बहुत अच्छे हो। वैसे हो कहाँ तुम? ओ ये रही, आओ। अरे मो बारिश होने लग गई यार, बारिश। इसका मतलब तो मुझे इसमें इसमें नहीं जाना है, इसमें नहीं जाऊंगी मैं, ये बहुत खतरनाक था। यार तुम भी बहुत गजब के ट्रोल कर रहे हो, मुझे नहीं पता था तुम भी मुझे ट्रोल करने वाले हो। अभी यहाँ से चलते हैं। मुझे चेस्ट मिला, क्या बात है, मतलब गजब का आर्मर मिला है यार। ये आर्मर को मैं पहले एक दूसरे से लड़ने लग गए। ओह माय गॉड एकदम वो सॉलिड सॉलिड। ओह माय गॉड ये क्या कर दिया तुमने, चलो 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 भाई साहब ये दुआ होगा। यहाँ दोनों तरफ है ये देखो क्या हाल हो गया इनका। और है यहाँ पर एक और है यहाँ पर मेरे पास, ये बेचारा बेचारा मरने का इंतजार कर रहा है। कहाँ हुआ कहाँ? अरे गन में तो गोली खत्म हो गई है। ओए भाई ये क्या मजहब का गन है, तो एकदम टर्मिनेटर। आ जाओ चलो चलो आगे, और भी कोई है क्या मारने के लिए, कौन है आओ। कभी कौन सा रास्ता लेना चाहेंगे आप? यार सच में मैं तो कभी इस रास्ते में जा रही हूँ। आओ ये क्या मिला है तुमने यार, गोल गोल घुमा दिया मुझे। चल यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे मोर नाचेगा अपना। आ जाओ यो यो जरा नाच के दिखा, ये लो जरा नाच के दिखा। अच्छा वो पंख है वैसे मोर। मेरे पंख भी तुम्हें कभी देखने को मिलेंगे, चिंता मत करो। I will wait. अभी क्या करना चाहोगे तुम जानो, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। फिर से तुमने यहाँ पे दो पाथ बना दिए, इधर और इधर, ये एक ही है? ये एक ही है पूरा, आओ बाहर आओ। ओके तो फिर इसमें क्या है, ये चेस्ट, इतना सारा चेस्ट रखा तुमने। तुम्हें गेट खोलना है, तुम्हें गेट खोलने के लिए कुछ जरूरत होगी। अच्छा तो मैं इसको खोल लेती हूँ।
तुम्हें क्या okay, मुझे मिला मशीन गन। रुको मैं वेदर को क्लियर कर देता हूँ पहले, ये लो। ओके थैंक यू, वैसे भी बहुत बारिश में बहुत ज्यादा भीज रही थी तो अच्छा किया तुमने। अभी आओ, इसमें क्या है, इसमें रॉटन फ्लैश क्या करना है तुम्हारे लिए रखा था मैंने रॉटन फ्लैश ताकि तुम आराम से खा सको, यू नो। वैसे तुमने ये जो गन दी है ना मुझे मजा ही आ गया यार। ओ माय गॉड यार, तुमने चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए, तुमने कितना गंदा काम किया। देखो बेचारे पेड़ पौधों के अंदर में तुमने लाश डाल दी है, शर्म है तुम्हें। मेरा मतलब तुम्हारे ऊपर मुझे करने का, शर्म तो है नहीं तुम्हें कोई। इसके अंदर क्या है? अरे सब में हाथ निकल रहा है ऐसे, एक सेकंड में मार दूंगी, एक सेकंड में मार दूंगी। तुम्हें इतना ओवर पावर्ड गन दिया है मैंने, कितना अच्छा आदमी हो। ओ माय गॉड, पर इसके अंदर चुटकू मार दिया मैंने आयुष। तुमने वो छुटकू को मारा ना, उसका लीवर निकल गया लगता है, पता नहीं किसका लीवर है। अपने अंग्रेजी पे काम करो बेटा। ठीक है, सीख लूंगी अंग्रेजी तो सिखा दे मेरे को। चला चला, तो यहाँ पे मुझे लेवर लगाना है और इसे ऑन कर देना। अब एक बार दबाओ बेटा, एक बार देखो मैं सिखाता हूँ, और भी तो गन दिया मैंने तुम्हें, कितने सारे उस चेस्ट के अंदर में भी गन ही गन है, यहाँ पर भी चेस्ट है। क्या लगता है तुमको, कहाँ है इसमें ये तुमने भी मिस पार कर लिया, लेट्स गो। चलो हम लोग मिलते हैं उन वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।